गए, जैसे मेरा नाम है चमेली चमेली, हमको याद आ गई तो चलिए वही तट वो भी तट पूरी के देता हूँ। क्या बात, गीत आप लोगों का जाना पहचाना कि मेरा नाम है चमेली, चलो गुल्ली डंडा खेली, नर्मदेश्वर बाबा के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सुनिएगा, अरे शिव जी काशी के वासी पर काशी छोड़े रहे, भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का देखिए। अरे शिव जी काशी के वासी पर काशी छोड़े रहे थे, और वैकुंठ वासी विष्णु ने सागर से जोड़े रहे थे। एक छोड़े रहते हैं अब एक जोड़े रहते हैं। शिव जी काशी के वासी पर काशी छोड़े रहे थे, अरे वैकुंठ वासी विष्णु ने सागर से जोड़े रहे थे, अरे प्रेम का पावन पथ कहते दोनों कण कण के वासी हैं, ऐसा ग्रंथ ये कहते दोनों कण कण के शिव जी है पर्वत के वासी, विष्णु सागर के निवासी। हाँ शिव जी है पर्वत के वासी, विष्णु जी सागर के निवासी, पर दोनों ही हैं प्रवासी मगन हर सर्प लपेटे रहते, विष्णु सर्प पे लेटे रहते, जग का भार समेटे रहते हैं ससुरा। भगवान विष्णु की ससुराल समंदर में है, सागर में है। क्यों? कि सागर से ही लक्ष्मी का अवतरण हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिव जी सर्प लपेटे रहते, विष्णु सर्प पे लेटे रहते, जग का भार समेटे रहते Thank you.
दादा कहनी जी को तथा नीचे वालों को क्या कहें दादा? कहां गया वो कौन? सब लोग बालों में खिजाब लगाते हैं, अपने मुंह में लगाता है खिजाब। कन्हैया लिया कहेगा। दादा और क्या, मेरा साड़ू है। कभी कभी कलाकार अपनी बात को सही करने के लिए दुनिया भर की बातें करता है। और क्या, एक बार गलती करता फिर सारा दिन गलती होती रहती है। वही आप कर रहे हो। अब आप कह रहे हो क्रांतिमाला तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है। जब मैंने ये कह दिया कि दादा वो कार्यक्रम अगर आपको कहीं कष्ट पहुंच रहा है तो वो कार्यक्रम आप करिए, आप करिए, नीलम जी करें, क्योंकि नीलम जी भी मध्य प्रदेश की है, आप संडीला के हैं। हाँ। और कानपुर में कार्यक्रम होना है और क्या, तो उसका सम्मान बचाना मेरा काम है। ये क्या, मैं कानपुर की हूँ, मैं बैठ कर सुनूंगी। आप करें क्रांतिमाला तुम्हारी कथनी करनी में अंतर है। बताओ। अच्छा क्या करें, आत्महत्या करने क्या? बताओ क्यों दादा, कैसी बातें कर रहे हो आप? आज पता नहीं क्या हो गया इनको। ये तो मेरा सोचना है, ये मैंने सोचा और मैंने अपने अधिकार से आपसे कहा। लेकिन हमारे लेखपाल जी ने जब आप ये कह दिया तो उन्होंने कहा ज्ञानी जी से कह दीजिए कि वहाँ तीन मंच बना दिए जाएंगे। एक नहीं तीन मंच, आप भी आइए, आपको भी पूरा पेमेंट मिलेगा। आप कह रहे हैं अच्छा तुम सुनो हम नोट गिने। अच्छा नोट गिनने के लिए ही तो लड़ रहे हो और क्या, जिंदगी में नोट गिनो और भगवान का भजन ना करो। नोट गिनने की ही तो लड़ाई है, अगर फ्री में गाने की बात होती तो कोई नहीं गाता। बात तो यही है, वो मंच हमारा ऐसा आप करोड़ों रुपए खर्चा हो जाए कोई परिवर्तन नहीं हो। अरे आपने लेखपाल जी को बड़ा हल्के में ले लिया। आपको लग रहा है बहुत साधारण व्यक्ति हैं, किसी को भी कैंसिल करके किसी को भी बुक कर देंगे। नहीं दादा, वो मंच ऐसा है, आप सत्य मानिए, लेखपाल जी ऐसे व्यक्ति हैं, आपके स्वास्थ्य की जानकारी जब उनको मिली तभी उन्होंने ये फैसला और लिया। आपका स्वास्थ्य देखते हुए निर्णय ये लिया। नहीं वो कभी ये नहीं करते। और आपको सत्य बताऊं दादा, उनकी पहली पसंद आप हैं। क्या आप ही हैं, लेकिन आप ना माने वो संडीला के निवासी है। दुनिया भर की बातें आप कर रहे हैं। चलिए आप कह रहे हैं कि क्रांतिमाला तुम्हारी कथनी करनी में नहीं है, जो क्रांतिमाला कहती है वो करती है। और क्या, आजमा के तो देखिए, इतना इतना हल्का आपने कब से बिटिया को समझ लिया। और क्या, चलिए छोड़ो बेटा मट्टी डालो। नीचे वाले इतना तो इनकी घर आईतीन करवा चाहो तो नहीं पूज रहे जितना ये लोग पूज रहे हैं बेचारे। पूरी पूरी रात भर से करवा चौथ चल रहा है। ये पहली बार पूजा जाएगा और डंडों से पूजा जाएगा। साल भर एक बार पैर छूती गुस्सा रहती ना, वो हमारा छोटा साड़ू ही तो हम जानते हैं सब पोजीशन। आप जो तर्क दे रहे हैं दादा वो सही तर्क नहीं है। आप तर्क दे रहे हैं क्रांतिमाला, ना जाने कितने ऐसे जोड़े हैं, पति पत्नी में नहीं पटती, पत्नी फिर भी क्या व्रत नहीं करती क्या? अरे यही तो मैं कह रही हूँ कि केवल चरण छू लेने से त्योहार नहीं होता। त्योहार तो तब अधूरा रहता है जब तक ना मिले पति पत्नी का मन। चरण नहीं, पति पत्नी का मन। ले बड़ा, हम लोगों का ऐसे सम्मान होता है, अभी तो गाने नहीं गाया है। ये लोग अलग पुदीना बोए। और क्या, नीचे वाले जल रहे माला देख के बेटा। जगदीश भैया हंस रहे। दीपावली के पावन उपलक्ष में उत्कृष्ट जवाबी कीर्तन प्रतियोगिता ऐतिहासिक शानदार आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 2 नवंबर दिन शनिवार, स्थान बिग बाजार के सामने, रावतपुर क्रॉसिंग, सर्वोदय नगर, कानपुर। आयोजक भैया हमारे जगदीश बाबा जी, प्रेमचंद्र गौतम जी, परशुराम कुशवाहा जी, शकरीदी भाई टमाटर वाले और पप्पू भैया जी बताशे वाले, सभी लोग कार्यक्रम करा रहे हैं। और इसमें जो दो पार्टियां आ रही हैं 2 नवंबर को, वो पार्टियां हैं, एक पार्टी है करुणा शर्मा जी हाथरस और दूसरी है कल्पना दुबे भिंड। तो आप लोग इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलें। भैया की ओर से 101 मुद्राएं और एक पुष्पमाल है,
मैं हृदय से नमन कर रही हूँ। पर्चा बिटिया हमें तो चंदिका की वो चिंता लगी आज, आज साल माल का त्योहार बेशरम के डंडा से मारा जाएगा। आइए दादा कटपीस सुनिए अपना। मैंने कटपीस दिया के घी और शहद मिला खाने से मानव व्रत बन जाता है, और दूध दही शक्कर को मिला दो तो अमृत बन जाता है। ज्ञानी जी कह रहे हैं क्रांति माला जी करवा चौथ का व्रत तोड़ना तो सबसे पहले घी दही शक्कर मिला के खा लेना, ये क्या है? ताकि अमर हो जाओ। अच्छा ज्ञानी जी बीमार तो आप चल रहे हो, आप कहे नहीं खा ले रहे आए? दूसरों को कहने के लिए आदमी बड़ी जल्दी मुंह चलाता है, और क्या अपने को भी तो देखिए, अपने को देखिए। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, दूध दही शक्कर ये सब पवित्र चीजें हैं, अमृत बन जाने का मतलब ये अमृत के समान है। ऐसे तो लोग कहते गंगा तेरा पानी अमृत, तो क्या उसको पी के आदमी मरता नहीं है क्या? तब भी मर जाता है, पानी अमृत है तो पी के जिंदा क्यों नहीं रहता? फिजूल के तर्क कर रहे हो क्योंकि जवाब है नहीं आपके पास। और क्या जवाब नहीं बेटे? जाने क्या जवाब, भौतिक साधन बन जाता है वो प्रसाधन बन जाता है। लोन लोन लाइन आपकी बोल रही, लोन लोन तेल लकड़ी, लोग कहते हैं नून तेल, ये बता रहे लोन तेल, जिसको मकान के लिए लोन लीजिए पहले और क्या? फिर उसमें तेल लगा दीजिए, जिसको क्रेडिट कार्ड पर लकड़ी लगा के जला दीजिए। ये जवाब है। चंदिका को आज पानी नसीब होगा नहीं बेटा? हम तो दादा मेरी आदत में नहीं है मैं किसी की बहुत ज्यादा जवाब पर टिप्पणी करूं ना, लेकिन कलाकार सोचता है कि जो मैं गा रहा हूं उससे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन उसको जांच लीजिए, समझिए। पहले मृत, मृत में दो अक्षर हैं, फिर अमृत तीन अक्षर, फिर पंक्ति कहती है पंचामृत चार अक्षर, चार अक्षर, और फिर बढ़ जाता है चरणामृत यानी पांच अक्षर, पांच अक्षर। ये विशेषता थी। क्या उत्तर गा रहे बाप, क्या लाए हो? नून तेल लकड़ी भौतिक साधन बन जाता है। अर्जुन हरि कांता किताबें नहीं पढ़ते, अध्ययन नहीं करते, नॉन तेल लकड़ी नॉन लॉन। चंदिका बड़ी चिंता। अच्छा कटपीस दादा का आया क्या कि मैं बाबों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां, कार्यक्रम में दादा गर्मी बनी रहनी चाहिए। आप शुरू में तो गर्मी आती है, फिर धीरे धीरे आंच ठंडी होने लगती है, ये गर्मी बनी रहनी चाहिए। ये नीचे वाला कार्यक्रम ठंडा कर देते बेटे, जल्दी है जाने। वो कह रहे बिटिया हो बिटिया रहो दाई न बनो। अच्छा और इनको ये नहीं पता बिटिया से तो दाई बनती है। ये जबरदस्ती और क्या, चलो चंदिका बहुत मारा जाएगा। के मैं बाबों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां, और ये कलियां बिछा के मैं सजा दूं तेरी गलियां, तूने घूंघटा मेरा हाय क्यों खोला, तो मैं ऐसे शर्माई जैसे दुल्हन नई नवेली, मेरा नाम है चमेली। तो नीचे वाले कह रहे चलो गुल्ली डंडा खेली। हो चुका है।
आज महाराज आएगा पट्टा मारा देगा। इसकी क्या जरूरत है? हाँ ये गंगा बहरा वो गुल्ली डंडा खेलता। अपना बता दे। अरे इसका नाम है घसीटा, इसको ताल पकड़ के घसीटा। ये कहे चिल्ला रहे बिना फालतू। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलवेली, चली आई हूँ अकेली भी गाने। ओ दरोगा बाबू बोलो, जरा दरवाजा तो खोलो, दरवाजे पे खड़ी हो मई तो इनको भी आज जल्दी है। सुनो चंद्रिका सुनो। अरे इसका नाम है धतूरा, ये जो पहुंच गया है रूरा, इसने टिकट कटाया पूरा खिड़की खोल के। जा बेटा जाओ घर में, तुम्हारे जाओगे पक्का। चलो गुल्ली डंडा खेली मेमो जाके जाओ। पत्नी मारती तीन बार बेचारों के लिए। आप आ रहे हैं शिवजी काशी के वासी, काशी छोड़े रहते ये बैकुंठ वासी, विष्णु ने सागर से जोड़े रहते, प्रेम का पंथ रहते दोनों कड़कड़ के वासी, ऐसा ग्रंथ है कहते। क्या शिवजी है पर्वत के वासी, विष्णु सागर के निवासी। शिवजी सर्प पे लेटे रहते, वो सर्प लपेटे रहते, कुल मिलाकर दोनों हैं। अब देखिए मुझे आपने विष्णु और शंकर जी को लिया, मैं महामारी माता काली और भगवान भोलेनाथ को ले रही हूँ। देखिए क्या मिला के महाकाल है शिव शंकर को, माता है महाकाली। नकल हमेशा होती पर बराबरी कभी नहीं। महाकाल है शिव शंभु तो, माता है महाकाली। अमर घट वाले शिव शंकर माता घट घट, मर घट वाले शिव शंकर तो माता घट घट सर्वेश्वरी, वो भुवनेश्वर तो भुवनेश्वरी, और अगर वो मरघट वाले तो ये घट घट वाली। तो लीला ऐसी मिली आली, तो विष पीते हैं शिव जी तो, के विष पीते हैं शिव जी तो, रक्त है पीने वाली। अगर भोलेनाथ जहर पीते हैं माँ दुष्टों का रक्त पीती है, और दोनों ही पीने का काम कर रहे हैं। भोलेनाथ शहर पीकर दुनिया को बचा रहे हैं, और माँ दुष्ट का रक्त पीकर दुनिया को बचा रहे हैं। तो विष पीते हैं शिव जी तो, माँ रक्त है पीने वाली, दोनों गोरे दोनों काले। दोनों ही गोरे हैं, दोनों ही काले। सभा बैठे। भगवान भोलेनाथ का पूर्ण गौरव करना प्रारंभ है, और यही काला रूप भी बना लेते हैं, और यही माँ माँ भी कभी काली बनकर आती है, और कभी अपने ही नाखूनों से अपनी चमड़ी उधेड़ कर गौरा हो जाता है, गोरी हो जाती है, गोरी हो जाती है। दोनों गोरे दोनों काले, और दोनों
दोनों असुरों को मारते हैं। और जो बाघ है, बाघ यानी बाघ की खाल और बाघ, जैसे आप बीच में सर्प पर लेटे, सर्प पर बैठे, ऐसे ही दोनों असुरों को